में चेंज कर लें कि अदर नंबर कोड, ये स्पेशल कोड है। जब ये कोड आ रहा है तो इसका मतलब है कि एबीएस ईसीयू को फर्क हो गया, कॉनी अंदर चला गया। ये स्पेशल फ्लैशिंग कोड है, स्पेशल फ्लैशिंग कोड 71 नंबर। जब 71 नंबर कोड आ रहा है इसका मतलब है कि लार्ज क्लियरेंस ऑफ बोथ लेफ्ट एंड राइट सेंसर इन सेम एक्सल, यानी कि दोनों एक्सलों में फ्रंट एक्सल है तो दोनों साइडों की सेंसर की क्लियरेंस बहुत ज्यादा होगी, स्पेशल कोड। डिस्कनेक्शन ऑफ रिटार्डर रिले सर्किट, रिटार्डर का जो सर्किट जो इसको कंट्रोल कर रहा होता है एबीएस ईसीयू, वो सही काम नहीं कर रहा है, उसको प्रॉपर आरटी करंट नहीं मिल रहा। फिर उसके बाद आ जाता है अगर 81 नंबर आ रहा है, 81 नंबर का मतलब ये है कि लो वोल्टेज है गाड़ी की, या किसी जो है वो सॉलिड बेल्ट की ग्राउंडिंग केबल खराब हो गई, कोई कोड फ्लैश नहीं कर रहा, तो उसका लैंप सर्किट जल सकता है, या उसकी जो आपका, क्योंकि ये सेपरेट लैंप नहीं हमने इसमें दिया हुआ, हमने इसका जो लैंप है वो इसके मीटर के अंदर ही है, तो मीटर का मसला हो सकता है कि अगर उसका लैंप जो है वो काम नहीं कर रहा। और एबीएस ईसीयू अगर आप चेक करना चाहते हैं कि एबीएस ईसीयू खराब तो नहीं है, तो जो खराब ईसीयू है या जो गाड़ी खराब है मसला कर रही है उसका ईसीयू तार के सही गाड़ी में लगाएं, बजाय इसके कि आप सही गाड़ी का खोल के खराब में वो लगाएं और वो भी खराब हो जाए, वो नुकसान हो सकता है। जब भी आपने चेक करना है कोई गाड़ी मसला कर रही है उसका ईसीयू चेक करना है, तो वो उसी मसले वाली गाड़ी के ईसीयू किसी और में लगाएं, उसके ईसीयू में नहीं मसला हो सकता, उसके ईसीयू में नहीं मसला हो सकता, सबका मसला अगर वो दूसरी गाड़ी को हम लगाएंगे ये ईसीयू में मसला होगा, वो जलाएगा तो कुछ नहीं ना, अगर दूसरी गाड़ी को खोल दूसरी गाड़ी लगाए वो भी खराब ना हो जाए। आप जिस गाड़ी का एबीएस ईसीयू चेक कर रहे हो सकता है उसकी वायरिंग शॉर्ट थी पहले, जी शॉर्ट की वजह से एबीएस जल गया जी, अब आप जब वो जला हुआ ईसीयू किसी और में लगाओगे वहाँ भी काम नहीं करेगा, आपको पता चल जाएगा। मैं ये यही बात कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं जला हुआ हम दूसरी गाड़ी को लगाते हैं, उधर वो जला हुआ उसकी वायरिंग को मसला कर दे, तो फिर ईसीयू वायरिंग को नहीं मसला करता, वायरिंग ईसीयू को मसला करती है। ठीक हो, बस इस चीज वायरिंग हमेशा ईसीयू को मसला करती है। अब आपकी वायरिंग शॉर्ट सर्किट की वजह से एबीएस ईसीयू जल गया, आप नई दूसरी गाड़ी का सही खोल के लगाओगे वो भी जल जाएगा। हमारे पास मतियाना मूवर है, उसका मसला बना था, वो कहते एसीयू से वो ज़्यादा करंट निकल गया इस तरह से, मतियाना है ना सर इसके।